हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। गाइस जैसे कि देख पा रहे हो कि आज हमारे पास फिर से आ चुका है एक पार्सल जो कि मेकर बाजार से मैंने परचेस किया है। इसके अंदर पर क्या क्या देखने को मिलता है उन सभी की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर देखने को मिल जाएगी। अगर मेकर बाजार से आप परचेस नहीं करना चाहते हो तो कोई टेंशन नहीं है, मैं फ्लिपकार्ट और अमेजोन दोनों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर प्रोवाइड करवा दूंगा, जिससे आप डायरेक्ट से खरीद पाओगे। इसके अंदर पर क्या है चलो आज की इस वीडियो पर देख लेते हैं, चलो शुरुआत करते हैं। तो देखो सबसे पहले पैकेजिंग की बात करें, पैकेजिंग कुछ ऐसा है, जैसे देख सकते हो यहाँ पर भी पैकेजिंग है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसे यहाँ से कर देते हैं ओपन, यहाँ से इसे बीच से ही इसे कट कर देते हैं। ये हो गया, यहाँ से भी ओपन इसे कर लेते हैं पूरी तरह से। चलो ये मैंने कर लिया इसे ओपन, अभी देखते हैं इसके अंदर पर हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो ये देखो हमारा जितना भी यहाँ पर सामान है वो हमें देखने को मिल गया, लेकिन क्या करते हैं सबसे पहले एक एक करके बाहर निकाल लेते हैं सभी सामान को। उसके बाद हम एक एक करके चेक करते हैं कि आखिर इसके अंदर पर क्या क्या है। इसे रखते हैं साइड पे। अब ये देखो, तो अगर आप यहाँ पर देखो तो आपको इतने सारे मटेरियल देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर, अलग अलग तरह के कॉम्पोनेंट्स है। बैटरी तो आपको लाइव दिख रही है, मैंने पिछले वाले वीडियो पर आपको दिखाया भी था कि 18650 की बैटरी हमें यूज करना था, पर यहाँ पर मैंने काफ़ी सारे बैटरीज और काफ़ी सारे यहाँ पर कॉम्पोनेंट को मैंने बाय किया हुआ है। इन सभी की अगर कीमत लगाई जाए तो लगभग 1500 रुपये का ये हमारा टोटल सामान है। और अभी और भी काफ़ी सारे अनबॉक्सिंग वीडियो आने बाकी है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखो सबसे पहले बात करेंगे बैटरी से, तो बैटरी की बात करें सबसे पहले रखते हो साइड में। ये देखो इस जो बैटरी है, ये बैटरी हमें टोटल इतने सारे बैटरी हमें देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर, 2, 4, 6, 8, 10 बैटरी मैंने परचेस किया है। ये 10 बैटरी की जो प्राइस है वो लगभग 800 रुपये है, यानी एक बैटरी का अगर प्राइस निकाले तो 80 रुपये का हमें देखने को मिलता है। और ये है देख लो, मैं आपको ओरिजिनल यहाँ से दिखा रहा हूँ कि ये 3.7 वोल्ट 18650 3000 mAh की बैटरी है। और अगर आप मेरे पुराने व्यूवर हो तो आपको पता ही होगा कि बैटरी जो हमारी होती है वो एक नंबर क्वालिटी की होती है। देखो मैं कोई स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूँ, बस आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ। बैटरी यहाँ पर 10 है तो हमारे यहाँ पर काफी अच्छा पावर बैंक बन सकता है या इससे 12 वोल्ट की बैटरी बन सकती है। नीचे कॉमेंट कर दोगे तो मैं उस पर भी नया वीडियो बनाऊंगा। चलो फिलहाल रखते हैं इसे साइड पर, अब बाकी की बात करते हैं। देखो यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है सोलर पैनल, और सोलर पैनल की अगर बात करें तो यहाँ पर आप लोग देखो ये है हमारा 5 वोल्ट 0.5 वोल्टेज के हिसाब से। और ये सोलर पैनल मैंने यहाँ पर लगभग 2 पीसेस मैंने परचेस किया, मैं एक को ओपन आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले ये देखो सोलर पैनल कुछ हमारा ऐसा देखने को मिल जाता है, नीचे पर पॉजिटिव नेगेटिव हमें 2 साइन देखने को मिलते हैं। तो इसे वापस से पहले करते हैं पैक, क्योंकि हम जब प्रोजेक्ट पर बनाएंगे उस टाइम पर ये हमारा काम आ जाएगा। और जैसा आपको सामान दिख रहा है नीचे कमेंट कर दोगे तो उस पर भी वीडियो बन सकती है। 2 सोलर पैनल है और दोनों की रेट क्या है वो आपको साइड में भी दिखता रहेगा, तो आप आसानी से खरीद पाओगे। ये है हमारा एक BMS जो कि 3S और 25 एम्पियर का है, जो कि 18650 लिथियम बैटरी के लिए ही खास ये बना हुआ है। और इसे लेने का काफी बड़ा कारण था क्योंकि हम यहाँ पर 12 वोल्ट की बैटरी भी बनाएंगे आगे वाले वीडियोस पर, तो ये हमारा BMS काफी ज्यादा काम आएगा, छोटा वाला BMS काम नहीं करता, तो इसीलिए मैंने इसे परचेस कर लिया। इसे भी रखते हैं साइड पर। अब ये क्या है चलो यहाँ पर देख लेते हैं। तो देख सकते हो ये है हमारा वोल्ट मीटर, यानी कि ये हमारा एक ऐसा डिजिटल पैनल है जिस पर हमें वोल्टेज भी शो होगा, साथ ही एम्पियर कितना हमारा लग रहा है वो भी हमारा शो होगा। तो इससे काफी अच्छा पावर सप्लाई बन सकता है, जिससे हम इस पर चेक कर सकते हैं कि कितने एम्पियर हमें देना है, कितनी वोल्टेज देना है। तो ये इसके लिए मैंने परचेस किया है। अब एक यहाँ पर देख लेते हैं, ये देखो ये क्या है। तो यहाँ पर आपको साफ साफ देखने को मिल जाएगा कि ये 12 वोल्ट RGB LED स्ट्रिप कंट्रोलर है, और ये हमारा रिमोट से चलता है, जैसे कि आप यहाँ पर रिमोट देख भी पा रहे हो। और इस पर क्या होता है कि अगर आप यहाँ पर नॉर्मली अगर स्ट्रिप लाइट जो होती है RGB वाली स्ट्रिप लाइट होती है, तो उसे यहाँ पर कनेक्ट करके आप इसे अपने मर्जी का लाइट जो इफेक्ट है वो आप लगा सकते हो, चाहे व्हाइट जलाना है, येलो जलाना है, या आपको जो कलर चाहिए वो आपको इस पर देखने को मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो जल्द से इसकी वीडियो आए तो नीचे कॉमेंट कर देना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, क्योंकि आने वाले वीडियो पर सिर्फ और सिर्फ आपको यही सब प्रोजेक्ट में से आपको कुछ वीडियो क्रिएट करके दिखाए जाएंगे। तो आप क्या करोगे, आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो, इसे भी रखते हैं साइड पर। और हमारा एक लास्ट ये पैकेट बना हुआ है। आप लोग भाई इतना कम प्राइस में, मतलब इतना सारा कम सामान कैसे आया है, तो मैं आपको बता देता हूँ इन सभी की प्राइजेस भी थोड़ी कम है और क्वालिटी भी काफी अच्छी है। तो यहाँ पर ये क्या है, तो आपको यहाँ पर मैं दिखाता हूँ मल्टी फंक्शन ड्यूल बैटरी चार्जर, जो कि आप इस वाले बैटरी को चार्ज कर सकते हो 16340 26650 18650 और 14500। ये सारे बैटरीज के मॉडल्स है जिससे आप इसके थ्रू चार्ज कर पाओगे। अब देखो फिलहाल तो मैं इसे एक आपको चेक करके दिखाऊंगा, बाकी जितने भी हमारे ये सारे कंपोनेंट्स है या ये पैनल ये सब है, इन सभी को प्रोजेक्ट के लिए यूज करेंगे। बट अभी मैं आपको सिर्फ इसे चेक करके दिखा देता हूँ, क्योंकि बैटरी भी हमारे पास काफी सारी है
और ये सभी बैटरी को भी हमें चेक करना है। चलो इसे सिर्फ अनबॉक्स कर देते हैं, बाकी के लिए प्रॉपर एक एक वीडियो बन जाएगी जब प्रोजेक्ट हमारी वीडियो आएगी। और क्वालिटी की बात करें तो देखो यहाँ पर मैं क्वालिटी भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये देखो ये है चार्जर जो कि यहाँ पर हमारा 1850 का दो बैटरी लग जाएगा या जो भी मॉडल का है वो सभी बैटरी यहाँ पर लग जाएंगे। अब यहाँ पर इसका आउटपुट इनपुट कितना है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। मॉडल नंबर जो आपको मिलेगा वो MD242A देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इनपुट आपको यहाँ पर 100 से 220 वोल्ट AC करंट देना है। अब देखो आउटपुट जो हमारा है वो 4.2 और 1000 एम्पियर, यानी कि सीधा समझो तो ये 1 एम्पियर की एडेप्टर है, यानी कि जो हमारा TP456 मॉड्यूल आता है सेम उसी जैसा ये भी काम करेगा, बट यहाँ पर सिर्फ दो बैटरी को आप एक साथ चार्ज कर पाओगे। और देखो यहाँ पर प्रोटेक्शन भी है क्योंकि यहाँ पर 4.2 वोल्ट पर जाने के बाद ये ऑटोमेटिक ऑफ भी कर देता है। तो इसे यहाँ से कर देते, सबसे पहले खोल देते इसे पैनल को। ये देखो ये मैंने यहाँ पर चार्जर को खोल दिया, जिसका अगर वायर की बात करें तो लगभग ये 1 या 1.5 फीट के करीब ये हमारा इस पर वायर देखने को मिलता है। ये काम कैसे करता है देखो, यहाँ पर दो इस तरीके के स्प्रिंग लगे हुए हैं जिससे ये बैटरी को पूरी तरह से टाइट रखेगा। चलो मैं फिलहाल दो बैटरी को यहाँ पर यूज कर लेता हूँ। ऊपर वाला पॉजिटिव है, नीचे नेगेटिव है, ये आप लोग ध्यान रखना। अब इसे यहाँ से करते लगाते हैं। ये देखो लगाने के साथ यहाँ पर ग्रीन कलर का जो LED है वो ग्लो कर जाता है। अब मेरे पास काफी सारे पुराने बैटरीज है, उसे मैं लेकर के आता हूँ और इसके साथ लगाता हूँ, देखते हैं कि वो कैसा रिएक्ट करता है। तो ये देखो मैं तुरंत से ये वाली बैटरीज को लेकर के आ चुका हूँ। आप यकीन मत मानो कि ये वाली जो बैटरीज है ये सभी बैटरी खराब हो चुकी है, जो मैंने लोकल मार्केट से अमेजोन से फ्लिपकार्ट से मैंने परचेस किया ये सब वाली बैटरी है। सबसे पहले मैं वोल्टेज को आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद इस पर कनेक्ट करेंगे कि बैटरी चार्ज होती भी है या नहीं होती है। देखो यहाँ पर सबसे पहले इस वाले बैटरी की जो वोल्टेज है वो हम चेक कर लेते हैं। ये देखो इसकी बात करें तो माइनस पर वोल्टेज है, दूसरे वाले को भी चेक कर लेते हैं। ये भी हमारा पूरी तरह से लो है, इसे चेक कर लेते हैं। और देखो ये बैटरी सारी खराब है, चार्ज नहीं है, सब ये खराब हो गई ये बैटरी टोटल। और इस वाले बैटरी को वापस से निकालते हैं, इसकी वोल्टेज को हम चेक करते हैं। ये देखो इसकी जो बैटरी वोल्टेज है वो है 3.68 के करीब, ठीक है। अब इसे लगा करके देखते हैं, इससे तो लगाने पर क्या होता है कि यहाँ पर ग्रीन कलर की LED जो है वो ग्लो करती है। अब इसे लगा करके देखते हैं कि इस पर हमें क्या देखने को मिलता है। ये देखो इसे लगाने पर यहाँ पर कोई भी लाइट नहीं ग्लो कर रहा है, दूसरे वाले को भी लगा देते हैं। ये देखो बिल्कुल भी यहाँ पर लाइट ग्लो नहीं कर रहा है। तो चलो अब इसे चार्ज लगा करके देखते हैं कि यहाँ पर आखिर ये चार्ज होता भी है या नहीं होता है। पहले यहाँ पर बैटरी को निकाल देते हैं क्योंकि ये बैटरी खराब है, हो सकता है यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो जाए, डायरेक्ट पहले चालू करके देखेंगे। हाँ ये देखो लाइट आ चुका है, मैंने लाइन को यहाँ पर दे दिया है। अगर इसकी वोल्टेज की बात करें तो यहाँ पर वोल्टेज को सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर जो आउटपुट वोल्टेज है वो कितना है। ये देख सकते हो यहाँ पर जो वोल्टेज है वो है 4.2 वोल्टेज के करीब, यानी हमारी जो बैटरी है वो यहाँ से अच्छी खासी है चार्ज हो जाएगी। तो चलो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो खराब बैटरी हमारा ये वाला सेल है इसे यहाँ पर चार्ज करके देखते हैं कि ये चार्ज होता भी है या नहीं होता है। इसे यहाँ पर लगा देते हैं, चलो ये लग गया है। अब यहाँ से कर देते हैं पावर ऑन। ये देखो अभी मैंने इसे लगाया और यहाँ पर जो रेड कलर का बल्ब है वो ग्लो कर चुका है। चलो दूसरे वाले बैटरी को भी लगा देते हैं, देखते हैं ये गर्म तो नहीं ना हो रहा है। चलो गर्म तो नहीं हो रहा है, इसे भी लगा देते हैं, देखते हैं क्या है। ये देखो मैंने यहाँ पर दो बैटरी को लगाया, थोड़ी देर वेट कर लेते हैं या फिर इसे चार्जर भी चेक हो जाएगा, चार्जर हमारा काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। और जैसे अगर ये काम करता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर इसे बाय कर लेना, लिंक मैं दोनों का देने वाला हूँ, ठीक है। चलो थोड़ा देर वेट कर लेते हैं। तो भाई यहाँ पर लगभग 2 मिनट का समय हो चुका है, 2 मिनट के बाद मैं अब इसे ओपन कर रहा हूँ, यानी एक बैटरी को खोलते हैं सिर्फ। देखो अभी तो सिर्फ ये ग्लो कर रहा है क्योंकि ये बैटरी हो सकता है पूरा ये खराब होगा। वोल्टेज में सबसे पहले चेक करके देखते हैं वोल्टेज इस पर कितना आया है। ये देख सकते हो इस पर जो वोल्टेज आया है वो है -32, यानी ये वाली बैटरी तो पूरी तरह से खराब हो चुकी है। इसे रखते हैं साइड पर। अब इस वाले बैटरी को भी चेक करते हैं, इस बैटरी का क्या कंडीशन है, ये काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये देख सकते हो ये भी माइनस पर ये चार्ज हुआ है, यानी ये बैटरी पूरी तरह से खराब है। अब चलो मैं थोड़ा सा आपको क्या करता हूँ, यही वाली बैटरी को चार्ज लगा कर दिखाता हूँ क्योंकि ये चार्जर ये काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा है इसे भी तो कंफर्म करना है। देखो इसका जो वोल्टेज है वो है 3.8 वोल्ट हम ये बैटरी चार्ज है, तो इसे हम यहाँ पर लगा देते हैं। ये देखो सिर्फ टच होने का देर, टच होता है ये बैटरी चार्ज पर जाता है। अब थोड़ी देर इसे भी छोड़ देते हैं, कितना था 3.80 करीब वोल्टेज था, अगर उससे थोड़ा सा भी बढ़ता है यानी कि ये चार्ज कर सकता है। लगभग पूरे 10 मिनट मैंने इसे पूरा छोड़ दिया, फिर भी ये बैटरी फुल चार्ज नहीं हो चुका है। चलो अब इसकी जो वोल्टेज है वो हम चेक कर लेते हैं, इसकी अब जो वोल्टेज है वो कितनी आ रही है, यहाँ पर वोल्टेज चेक करते हैं। ये देखो अभी की जो वोल्टेज है वो लगभग देखा जाए तो 3.89 के करीब पहुंच चुका है, जबकि पहले कितना था 3.8
7980 कुछ ऐसा वोल्टेज था, और अभी जो वोल्टेज है वो लगभग देख सकते हो मतलब कुछ तो चार्ज हुआ है, यानी कि अगर देखा जाए तो ये 1 एम्पियर का है, तो 1 एम्पियर के हिसाब से ठीक है चार्ज करा, क्योंकि ये 3000 mAh की बैटरी है, इसे चार्ज होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। तो चलो गाइस मिलते हैं जल्दी न्यू वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ, और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो तो आपको इस तरह की रिव्यूज वीडियोस, रिपेयरिंग वीडियोस और नए नए प्रोजेक्ट्स की वीडियोस आपको हमेशा देखने को मिलती रहेगी। तो मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।